रख लिए अभी दोस्तों। जिन्होंने हमको फोन करके बुलाया था आप हैं, आप अपना नाम पता बताएं। सर मेरा नाम महेंद्र कुमार है, अरवासी ग्राम सभा से। ये यहाँ पे सुबह मॉर्निंग को 6 बजे एक स्पेक्टिकल कोबरा और एक नागिन दोनों दिखा था। मतलब दोनों दोस्तों स्पेक्टिकल कोबरा है, नर और मादा के रूप में है दोनों। गांव में इसे नाग और नागिन के नाम से भी लोग कहते हैं, है ना सर? कब से ये फंसा हुआ था? सुबह 6 बजे से। यहाँ से इलाहाबाद कितनी दूर है? 40 किलोमीटर। ये जौनपुर सिटी यहाँ तक आती है? इलाहाबाद। तो दोस्तों बड़ी बात ये है, ये तीर्थों का राजा प्रयागराज में मैं उपस्थित हूँ। इस धारा को तो पहले मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत से देश दुनिया के करोड़ों लोग आते हैं तीर्थस्थल पे। आइए फटाफट के अंदाज में निकाल के दिखाते हैं कि वो सांप है कौन सा। बस आप नजर जमा रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है। और नहीं भी सर, बाइक आप बगल में कर लीजिए। आइए चलिए 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 तुरंत तुरंत, क्योंकि भैया सबको नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? भैया यहीं रहिए, मैं ला रहा हूँ बाहर में। हाँ इसको खोलेंगे पहले, उधर वाला, पहले उधर वाला। अच्छा उधर भी है, एक ही जाल है। तो दोस्तों ये पहला सांप है, और इसी के साथ साथ ये जो जाल है नेट हमारे गांव में लगा रहता है, ठीक इसके उस तरफ भी यही जाल है, उसमें भी एक सांप फंसा हुआ है। भैया थोड़ा शांति शांति, आइए और करीब से आपको उसको भी दिखाते हैं। भैया थोड़ा सा जान दीजिए, वो दूसरा वाला। दोस्तों आप एक ये देख सकते हैं, तो ये हमारे गांव में इससे एक नेट बोलते हैं, नेट इनसे होता है जाल, और ये मछली फंसाने के काम आता है। लेकिन बात ये दोस्तों, इसमें आज ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो हमारे भारत का बहुत ही खतरनाक सांप है, वो इसके अंदर फंस चुका है। दोस्तों इसे आप देख लीजिए एक बार, दोस्तों ये काफ़ी बिग साइज का है और इसमें बुरी तरीके से ये फंस चुका है। बड़ी हलचल हुई है यहाँ पे। चलिए दोस्तों एक बार दूसरे सांप को भी आपको पूरी तरीके से उसको पहले खोल के दिखा देते हैं, क्योंकि ढका हुआ है, उसको थोड़ा ऑक्सीजन मिले। आइए प्लीज कम सर, आप चलिए पीछे, जल्दबाजी ना कीजिए, भैया निकालते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी एक सांप छिपा हुआ है, चलिए हम इसको भी निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं नेट है ये जाल। अच्छा ये फंसी नहीं है क्या? भैया थोड़ा शांति रखिए। दोस्तों इससे आप देख के समझ सकते हैं ये भी इसके अंदर फंसी हुई है। चलिए भैया ये उठा करके थोड़ा थोड़ा ले चलिए किनारे किनारे। अच्छा हाँ सही, ये अलग है ना, वही वहां से खोल लीजिए। बस बस भैया आप थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग थोड़ा शांति रहिए, थोड़ा दूर रहिए। हाँ
तो दोस्तों आप थोड़ा शांत रहो, शांत रहो यार भैया, हाँ भैया थोड़ा शांति रखिए। भैया ये कौन सा सांप है? इसको इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और इसी को नाग और इसको फिटार बोलते हैं, गेहूवन बोलते हैं भैया बिहार में इसको गेहूवन बोलते हैं, उड़ीसा में इसको नाग या तो गोखुरा के नाम से भी जानते हैं। भैया थोड़ा थोड़ा दूर रहिए आप लोग, भैया जाल उधर खींचिए। नहीं देवता है हम चले तैन। भैया बोलना नहीं। हर महादेव सही। चलिए एक बच गया। तो दोस्तों ये जो है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा मादा था और इसको हमने कैच कर लिया। अब चलते हैं दूसरे की बारी है। अरे तकवा पिठा दिन दे ये दोनों दोस्तों शायद मोहब्बत के राह में निकले रात में और दोनों जाल में फंस चुके हैं, आप समझ सकते हैं ना सर। नाग नागिन अगर जाल में फंस गए तो मतलब कोई बात है, सही बात है कि नहीं सर? चलिए ओके भैया देख लिए सब लोग। चलिए चलिए सर हम इसे पैक करते हैं। अब भैया इसको उठा लीजिए।
चलिए सर, चलिए उधर चलिए। एक बार और दिखाई सबके, नहीं ना देखा साल भर आज कर दे कोई के सामान हो ये ठीक है जाग मन ना है और ये भाई बस प्यार मोहब्बत हो गया अरे भाई समाज सब की है बोल गंगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मेजबानों के लिए। तब तक आप सब बंद करके रख लीजिए, अभी थोड़ी दिखाएंगे बार बार। Thank you.